आज की रेसिपी बनाते हैं कोकोनट से। सो ये वाले जो सारे कोकोनट है ना, वो घर पे गणेश स्थापना थी उसके अंदर जितने भी पूजा में कोकोनट चढ़े थे ना, उसका थोड़े से ये दो तीन कोकोनट से मैंने कुछ इस टाइप से उसकी रेसिपी बनाई है। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों ने पहले ट्राई करी होगी, लेकिन एक बार आप देख लो, फिर मुझे ये भी बताना कि आप अपनी लैंग्वेज में उसे कहते क्या हो। तो पहले तो कोकोनट ले लिया, उसको कुछ इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया। उसको काटने के बाद मिक्सी जार में उसको कुछ इस तरीके से दरदरा सा पीस लिया, एकदम पाउडर नहीं बनाना है, वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना। फिर पैन पे बिना घी डाले, वो जो नॉनस्टिक वाला पैन होता है उसके अंदर हम लोग कोकोनट है ना, वो दोनों साइड से रोस्ट कर लेंगे। एक और चीज़ मुझे बोलनी है, मैंने जो जब ये कोकोनट तोड़ा ना, तो उसका जो ब्राउन कलर का ऊपर का जो लेयर था ना, वो मैंने निकाला नहीं है। कोई कोई निकाल देते हैं, ये आपके ऊपर कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अभी यहाँ पे उसको मीडियम फ्लेम पे रख के कोकोनट को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, और उसके अंदर डालेंगे चीनी। अभी चीनी आप अपने हिसाब से देख लेना कि कितनी चीनी डालनी है। फिर ये सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स करके मिल्क भी मैंने ऐड करा है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट बने, फिर चीनी ऐड करी है, तो थोड़ा सा वो ध्यान में रखना। और बाकी उसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे, आप उसके अंदर कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास थी नहीं इसीलिए मैंने चीनी ऐड करी थी। अगर कंडेंस मिल्क ऐड करा होता तो वो ज़्यादा टेस्टी बनता। फिर मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करा है। ये जो मिल्क पाउडर मैंने यूज़ करा है वो थोड़ा सा मीठा वाला होता है, चीनी वाला शुगर टाइप का वो था। अगर आपके पास प्लेन मिल्क पाउडर हो तो वो ऐड करना, उसके साथ कंडेंस मिल्क डालना, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी लगता है। अगर कंडेंस मिल्क ना हो, अगर कंडेंस मिल्क मेरे जैसे अगर आपके पास ना हो, तो आप उसके अंदर चीनी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करे। फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और हल्का सा घी डाला है। अभी यहाँ पे प्लेट पे घी को स्प्रेड करना है अच्छी तरह से, और उसके अंदर वो जो मिक्सचर रेडी करा था वो उसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे जब आप मिक्सर जो स्प्रेड करो, उसको दो तीन घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना ताकि उसके जो पीसेस है ना वो अच्छे से बने। मैंने उसको अच्छी तरह से सेट करा, सेट करने के बाद उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सिल्वर, एडिबल सिल्वर लगाई है, उसी के साथ मैंने ड्राई रोज़ की पत्ती डाली। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं करनी है तो आप स्किप कर सकते हो, एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं इसके अंदर। और ये मैंने सीधा है ना जैसे बनाया वैसे ही मैंने काट लिया। काटने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ना, बाकी रेसिपी ईजी है। थैंक यू।